हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का एपिसोड नंबर 4। तो बस चाय पानी और टेस्टी सा पास्ता बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। देखो, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था और इंडिया वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया था गांधी जी का, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एकदम तेजी से दौड़ता हुआ चल पड़ा इंडिया में। अब देखो, जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि नया मूवमेंट शुरू हो रहा है तो वो लोग धीरे धीरे अंदर से थोड़ा घबराने लग गए और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लग गया उनको, क्योंकि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था। मैंने तुम लोग को बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉस को तोड़ना था, डिसोबे करना था, और यही हुआ और सारे कानून तोड़े जाने लग गए। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने भी चूड़ियां तो पहन नहीं रखी थी। अब देखो, ब्रिटिशर्स तो पहले से ही गुस्से में थे और इन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, लोगों को पीटना शुरू किया, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। अब देखो, पूरे इंडिया में तनाव का माहौल फैल गया, क्योंकि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रियली में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था और सब लोगों को लग रहा था कि हम लोग पक्का निकल जाएंगे इससे, अब या तो आर या तो पार। सब लोगों के मन में अंदर ही अंदर ये बज रहा था। लगभग सभी कम्युनिटीज ने, सभी अमीर गरीब सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। अब क्यों किया था, चलो जल्दीबाजी में उसको भी देख लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा सपोर्ट रिच पीजेंट्स ने भी किया था, क्योंकि उनको उनके क्रॉप्स का पूरा दाम नहीं दिया करते थे ब्रिटिशर्स। रिच पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि तुम लोग कम दाम में अपने क्रॉप्स को बेचो हम लोगों को, और इसके बाद रिवेन्यू तो उनसे ज्यादा लिया ही जाता था। तो रिच पीजेंट्स ने ये सोचा, चलो अब इस मूवमेंट में लग जाया जाए जोरों से, जिससे कि आजादी मिल जाएगी तो कम से कम हम लोगों को थोड़ा आराम तो मिलेगा, हम लोग के क्रॉप्स अच्छे से बिकेंगे तो, और हम लोगों को रिवेन्यू भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद पुअर पीजेंट्स ने भी इसका जोरों से सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज्यादा रिवेन्यू लेता था। अब देखो, लैंडलॉर्ड्स की भी क्या गलती, अगर हिंदी में बोले तो जमींदार की भी क्या गलती। अंग्रेज जमींदार से पैसा मांगते थे और वो गरीब पीजेंट से पैसा मांगता था। मतलब कुल मिलाकर बस ये ब्रिटिशर्स की वजह से ही पूरे इंडिया में अमीर गरीब सारे टाइप के लोग परेशान थे, और क्योंकि अब उन लोगों को एक वे मिल गया था ब्रिटिशर्स को अपोज करने का, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। तो देखो, ये तो रही सपोर्ट की बात। अब हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने आखिर क्या-क्या कहर डाला ब्रिटिशर्स पर। तो देखो, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट कम मिलने लग गया, ब्रिटिशर्स की जो कमाई थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, और क्योंकि चारों ओर दंगा भड़क रहा था तो ब्रिटिशर्स को भी कंट्रोल करने में धीरे धीरे दिक्कत आने लग गई। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स की भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लग गई, और आखिर में ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पीछे पूछ पकड़े ये इंडियंस चल रहे हैं, उन सभी को जेल में डाल दो। तो सबसे पहला काम किया गया कि अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, जिससे लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया और मूवमेंट और तेजी से शुरू हो गया, चारों ओर मारपीट ये सब होने लग गया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने करीब 1,00,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब देखो, ये सब देखकर गांधी जी ने सोचा कि 1,00,000 लोग पकड़े जा चुके हैं, उनको भी ब्रिटिशर्स मार देंगे और आजादी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, उससे अच्छा ये मूवमेंट को आज बंद कर दिया जाए, बाद में 1-2 साल बाद जब ये 1,00,000 प्रिजनर्स छूट जाएंगे तब हम लोग फिर से इस मूवमेंट को शुरू करेंगे। तो देखो, गांधी जी के मन में ये आया और उन्होंने इरविन से बात की और इरविन पैक्ट साइन हुआ, और 1,00,000 लोगों को छोड़ने के वादे के साथ में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया। अब देखो, जितने भी इंडियंस थे जो अपना घर बार छोड़कर, अपनी जॉब्स छोड़कर और अपनी सारी पूरी दुनिया ही छोड़कर आए थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने, उनको जब पता चला कि गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद करवा दिया है, तो वो लोग गांधी जी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब देखो, उस गुस्से को ना फील करने के लिए तुम लोग को उसे अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। चलो एक तुम लोग को स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, चैप्टर अभी कुछ देर के लिए साइड में रखो और आराम से इस स्टोरी को फील करो। मान लो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में एक गेम्स पीरियड तुम लोग को मिलता है और तुम लोग 15-20 लोग आराम से जाकर वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुत्ता बिल्ली ये सब खेल रहे हो, आराम से तुम लोग खुश हो, तुम लोग के लाइफ के सबसे अच्छे पल बीत रहे हैं, तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अचानक से पीरियड खत्म होने की बेल बज जाती है,
तुम लोग को अंदर से बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वापस जा रहे थे कि चलो यही हम लोग की किस्मत है। बीच में तुम लोग के ही ग्रुप से एक धुरंधर आकर बोलता है कि चलो 5-10 मिनट और रुक जाया जाए, टीचर को बोला जाएगा कि बेल सुनाई नहीं दी, और आराम से फिर हाथ मुंह धोकर चिल करके आराम से चलेंगे, और पूरे क्लास को तो पनिशमेंट मिलेगी नहीं। फिर सभी के मन में लड्डू फूटने लगता है, चलो 10 मिनट और गेम्स मिलेगा, 10 मिनट और गेम्स मिलेगा, और तुम लोग भी एकदम खुश होकर फिर से खेलने लग जाते हो। और वो धुरंधर पीरियड की बेल बजने के 2 मिनट बाद ही पानी पीने चला जाता है क्लास की तरफ। अब तुम लोग आराम से 10 मिनट और एंजॉय करते हो, और जब क्लास जाते हो तो देखते हो कि जो धुरंधर तुम लोग को एडवाइस दिया था वही फर्स्ट बेंच पर बैठ के टीचर के बताए हुए नोट्स बना रहा है। अब ये सीन देखकर जो तुम लोग को भस्म वाला फीलिंग आएगा ना, विश्वासघात वाला फीलिंग आएगा ना, वही फीलिंग आ रहा था उस टाइम के लोगों को। तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि प्रैक्टिकली 2 साल बाद जब ये फिर से लॉन्च करने की कोशिश की थी गांधी जी ने, तो किसी ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यही था पूरा सीन, पूरा सिनेरियो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत, उसके कॉल ऑफ तक। अब बीच में एक और पॉइंट आता है कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना बड़ा लेवल पर क्यों नहीं चला। देखो सपोर्ट तो मिला था, लेकिन हर एक गली हर एक कस्बे वाला जो सपोर्ट होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, हर गली हर गांव कस्बे वाला सपोर्ट नहीं मिला था। और जहां जहां मिला था वहां तो अच्छा लॉयल सपोर्ट मिला था, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज ऐसे रह गए थे जहां पर कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को दोबारा संभलने का टाइम मिला और उन्होंने 1 लाख प्रिजनर्स को दोबारा कैप्चर किया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरे कंट्री ने, हर एक इंसान ने, हर एक इंडियन ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार वुमेन्स का सपोर्ट भी बढ़ चढ़कर मिला था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई कि कांग्रेस के उस टाइम पर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उसमें में से ज्यादातर लोग ब्राह्मण्स के ओर थोड़ा ज्यादा झुके हुए थे। वो एक कम्युनिटी को, एक पार्टिकुलर ब्राह्मण्स की कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, तो बाकी जो रिलीजन्स थे, बाकी जो रिलीजन कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का, इसके बाद बाकी अदर कम्युनिटीज का उतना बढ़ चढ़कर सपोर्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस के इस बर्ताव के वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हाफ हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके बाद एक और चीज थी कि जितने भी वर्किंग क्लास थी, मतलब जो काम करने वाले कामकाजी लोग होते हैं, वर्कर्स थे, उन्होंने भी उतना सपोर्ट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, क्योंकि फिर से कांग्रेस के कुछ लीडर्स अमीर बिजनेसमैन के ऊपर ज्यादा झुके हुए थे और उनके तरफ ज्यादा थे, तो वर्कर्स को लगा कि हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं और हम लोग इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस में उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो खुद अपनी पार्टी का और पूरे देश का कचड़ा करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये रिग्रेट नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स जिन्होंने उस टाइम पर आजादी दिलवाने में अपना सपोर्ट किया था, वो लोग रियल में ट्रू हीरोज थे। तो देखो यही कुछ लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, या फिर हिंदी में बोले तो यही कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को दोबारा से वापस अपना पावर स्टेब्लिश करने का टाइम मिला और उन्होंने 1 लाख लोगों को पकड़ कर बंद कर लिया, और फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो देखो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, और इस पूरे चैप्टर के नोट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हम लोग की ऑफिशियल वेबसाइट mspknowledgeofficial.com पर तुम लोग को सारे नोट्स, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें जितना तुम स्टडी मटेरियल के नाम पर सोचते हो अपने दिमाग में, वो सारी चीजें तुम लोग को फ्री में मिलेंगी। मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए।